हे गाइस, आज मैं वाइल्ड स्नेक के 10 एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जो सैन रोहित से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसे बाय से कोई प्यार प्यार नहीं है, बल्कि वो तो उससे प्यार करता है। ये सब कुछ दूर से चिंग और चिंग सॉन्ग देख लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि जूसैन पाय को धोखा दे रहा है। पर हम देखते हैं कि ये असल में जूसैन नहीं था, बल्कि फॉक्स डेमन जूसैन का रूप लेकर आई हुई थी। चिंग जूसैन के पास आ जाती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है कि वो उसकी बहन को धोखा दे रहा है और वो उस पर अपना मैजिक से वार करने वाली थी। पर वो डेमन जो कि जूसैन के रूप में थी, वो चिंग को रोक देती है और कहती है कि अगर वो उसे नुकसान पहुंचाएगी तो फिर उसकी बहन को ही दुख होगा। जिसके बाद चिंग सॉन्ग चिंग को समझा कर वहां से ले जाता है कि उन्हें बाय को बताना होगा। चिंग घर आते ही बाय को पूरी बात बताती है, लेकिन बाय उसके बात पर विश्वास ही नहीं करती, ये कहते हुए कि आज तो पूरा दिन जूसैन उसी के साथ था तो वो ब्रिज पर कैसे जा सकता है रोहित से मिलने। वो चिंग के किसी बात पर विश्वास नहीं करती, तो चिंग सॉन्ग चिंग को रोकता है कि अब उन्हें बाय को समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगी, तो उन्हें दूसरा तरीका अपनाना होगा। इसके अगले सुबह चिंग बाय से माफी मांगती है कि उसने जूसैन के खिलाफ उसे इतना कुछ कहा। जिसके बाद वो बाय से एक लेटर लिखवाती है, ये कहते हुए कि उसके सेवक को किसी से प्यार हो गया है तो वो उसे लेक में मिलना चाहता है। तो बाय भी चिंग की बातों में आकर एक लेटर लिख देती है, जिसके बाद एक छोटा बच्चा जूसैन को जाकर ये लेटर देता है, जिससे जूसैन को लगता है कि बाय ने उसे लेक के किनारे बुलाया है। ये सब कुछ उसके मास्टर देख लेते हैं, तो वो जूसैन को क्लिनिक छोड़कर बाय से मिलने जाने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद जूसैन बाय से मिलने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में फॉक्स डेमन अपने सोल को जूसैन में डाल देती है ताकि जब बाय जूसैन के करीब आए तो वो उसके डेमन कोर को ले ले। जूसैन लेक के किनारे आ जाता है, पर वो देखता है कि वहां पर बाय नहीं थी, तो वो बोट के अंदर बैठ जाता है। इधर हम देखते हैं कि चिंग और चिंग सॉन्ग जूसैन को देख रहे थे। यहाँ चिंग जूसैन को मजा चखाना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जूसैन उसकी बहन को धोखा दे रहा है, तो वो एक केकड़े से उसके नाव की रस्सी काट देती है, जिससे जूसैन का नाव पानी में बहने लगता है। चिंग अपने सेवकों को आदेश देती है कि वो पानी में बवंडर लाए, जिससे जूसैन की नाव पानी में ही डूब जाए। पर ये चारों सेवक जूसैन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो वो चिंग से कहते हैं कि वो बहुत ही आम डेमन है तो उनके पास इतनी पावर्स कहां से। ये सुन चिंग खुद ही पानी के अंदर आ जाती है और वो पानी में बहुत ही बड़ा बवंडर लाती है, जिससे जूसैन जो कि नाव पर था वो पानी में गिर जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। ये देख चिंग चिंग सॉन्ग से कहती है कि अगर बाय को पता चल गया कि उन्होंने जूसैन को मारा है तो वो उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। ये सुन चिंग सॉन्ग उसे समझाता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बाय के भलाई के लिए है। इधर बाय जब क्लिनिक में पहुंचती है और उसे वहां जूसैन नहीं मिलता तो मास्टर उसे बताते हैं कि वो तो उसी से मिलने लेक के किनारे गया है। ये सुन बाय तुरंत लेक के किनारे आ जाते हैं और वो जूसैन को डूबता देख खुद भी पानी में आ जाते हैं। जूसैन डूबता जा रहा था तो वो अपनी सांस देकर उसे बचाते हैं, जिसके बाद वो उसे पानी से बाहर ले आते हैं। पर जूसैन बेहोश था तो बाय अपने मैजिक से उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है, पर तभी फॉक्स डेमन का सोल बाय को सामने देखकर उसके डेमन कोर को खींचने लगता है। ये देख चिंग सॉन्ग उसे दूर फेंक देता है, जिससे फॉक्स डेमन समझ जाते हैं कि उसका प्लान चौपट हो गया है। इधर बाय चिंग और चिंग सॉन्ग दोनों पर बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो उन दोनों से अपनी दोस्ती तोड़ देती है। वो चिंग से कहती है कि उसने एक इंसान को मारने की कोशिश की है तो वो उसकी बहन नहीं हो सकती। वो उन दोनों को यहाँ से दूर जाने को कहती है उसे छोड़कर। ये देख चिंग सॉन्ग उसे समझाता है कि वो हजारों सालों से दोस्त है और वो आज एक इंसान के लिए उनसे रिश्ता तोड़ रही है। चिंग सॉन्ग गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि वो एक दिन जरूर पछताएगी, और वो वहां से निकल जाता है। जिसके बाद बाय भी जूसैन के साथ वहां से गायब हो जाती है। बाय जूसैन को उसके घर ले आई थी। यहाँ पर बाय जूसैन से माफी मांगती है कि ये सब कुछ उसी की गलती है, ना तो वो लेटर लिखती और ना ही वो लेक के किनारे जाता और उसके साथ यह हादसा होता। इसके अगले दिन में हम चिंग सॉन्ग और चिंग को एक बार में देखते हैं, जो कि बाय से अलग हो जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी थे। यहाँ चिंग सॉन्ग अपने इतिहास के बारे में बताता है कि कई सदियों पहले वो बुद्धा का सेवक हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने कमल को अपने दांत
राक्षस काट दिया तो बुद्धा ने उसे सजा के तौर पर पृथ्वी भेज दिया, जहां वो सांपों के गुफाओं में रहने लगा और उसे लग रहा था कि सांप उसे मार देंगे, लेकिन वो बच गया और वहीं पर उसे पाय मिली। उसने पाय के साथ कई सदियां बिताई और उसी दौरान उसे पाय से प्यार हो गया, पर अब पाय एक इंसान के कारण उससे दूर हो गई है और अब उसे किसी भी हालत में जू सियान को उससे दूर करना होगा। ये कहते हुए जिंगसंग वहां से चला जाता है। इधर हम मॉन्ग को देखते हैं, जो कि उस फॉक्स डेमन का पीछा करते हुए एक गलत जगह चला जाता है, जहां सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, और इसी का फायदा उठाकर वो फॉक्स डेमन वहां से भाग निकलती है। तभी वहां जिंग आ जाते हैं, जो कि नशे की हालत में थे, और वो मॉन्ग को यहाँ देख कर उस पर बहुत ही हंसते लगते है, पर वो वही पर गिर कर बेहोश हो जाती है। तो मॉन्ग उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आता है। इधर हम उस फॉक्स डेमन को देखते है, जो कि मॉन्ग से बचकर भाग निकली थी, पर तभी अचानक उसके सामने जिंगसंग आ जाता है। यहाँ पर जिंगसंग इस डेमन से डील करता है कि वो उसे मॉन्ग से बचा लेगा हमेशा, लेकिन इसके बदले उसे जू सियान को मारना होगा। ये बात सुन फॉक्स डेमन हैरान हो जाते हैं और वो जिंगसंग से पूछती है कि ये छोटा सा काम वो तो खुद भी कर सकता है, तो वो क्यों नहीं कर रहा। जिस पर जिंगसंग कहते हैं कि वो इसमें फंसना नहीं चाहता। यहाँ ये डेमन समझ जाते हैं कि जिंगसंग को बाय से प्यार है और इसलिए वो जू सियान को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। यहाँ ये डेमन जिंगसंग को बहलाने की कोशिश करती है, तो जिंगसंग उसका एक पूछ ही तोड़ देता है और उसे वार्न करता है कि उसे सिर्फ जू सियान को खत्म करना है, ना कि बाय को, और अगर बाय को थोड़ी सी भी खरोच आई तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये बात सुन वो डेमन डर कर वहां से भाग जाते हैं। इधर हम बाय को देखते हैं, जो कि जू सियान का ख्याल रख रही थी। तभी वहाँ रूही आ जाती है, जो कि जू सियान के काफी क्लोज हो जाती है, तो जू सियान उसे खुद से दूर करता है। ये देख रूही कहती है कि कल तो वो उसे इतने अच्छे से बात कर रहा था और उसने कहा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आज वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये सुन जू सियान कहता है कि उसने उसे कभी भी ये सब कुछ नहीं कहा है, वो तो सिर्फ बाय से प्यार करता है और वो अपनी आखिरी सांस तक उसी के साथ रहेगा। ये सुन रूही गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रूही की बातें सुनकर बाय को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कल जब जूसन बेहोश हुआ था तो उसके अंदर से डेमन के सोल की स्मेल आ रही थी। इधर हम उस फॉक्स डेमन को देखते हैं, जो कि सीनियर के साथ थी और ये पूरे लीनन शहर का हेड था। तो ये फॉक्स डेमन एक प्लान बनाती है और सीनियर को हर्ट कर देती है और राय देती है कि उसे क्लिनिक जाकर बाय से अपना इलाज कराना चाहिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जिसके बाद सीनियर क्लिनिक पहुंच जाता है और वो सभी लोगों को बाहर निकाल देता है और बाय को इलाज करने को कहता है। यहाँ वो बाय के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तभी वहाँ जू सियान आ जाता है, जो कि बाय को बचाने की कोशिश करता है, पर ये सीनियर बहुत ही पावरफुल था तो जू सियान कुछ नहीं कर पाता और बाय को ना चाहते हुए भी उस सीनियर का इलाज करना पड़ता है, पर वो उसे मजा चखाने के लिए उसे कुछ गलत दवाइयां दे देती है। पर उसके जाने पर जू सियान बाय को समझाता है कि वो एक डॉक्टर है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही वो कैसा भी हो। इनकी बातों को एक लड़की छुपकर सुन लेती है। इसके अगले सुबह हम बाय को देखते हैं, जब वो क्लिनिक पहुंचती है तो रूही उसका रास्ता रोक देती है, क्योंकि उसे बाय की गई गलती पता चल गई थी और उसे तो मौका चाहिए था बाय को यहाँ से निकालने का, और अभी जू सियान भी क्लिनिक पर नहीं होता तो रूही सभी के सामने बाय को वहाँ से निकालने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही पहुँच जाते हैं, जो कि बताते हैं कि बाय की दी गई दवाई खाने के बाद सीनियर के कुछ ही घंटों में मौत हो गई, क्योंकि उसमें जहर था। ये बात सुनकर बाय बहुत ही हैरान हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।